तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को कलर्स टीवी पर आने वाले सीरियल मेरा बालम थानेदार के कास्ट के पर डे शैली के बारे में बताने वाले हैं, जो कि शायद ही आप सभी जानते होंगे और जानकर चौंक जाएंगे। तो अगर आप सब जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। नंबर फर्स्ट, आस्था चौधरी, जो कि इस सीरियल में गीता किरदार निभा रही हैं, और इनके पर डे सैलरी की बात की जाए तो एक एपिसोड करने का 35,000 रुपए लेती हैं। नंबर टू, सृष्टि सिंह, जो कि इस सीरियल में दृष्टि का किरदार निभा रही हैं, और इनके पर डे सैलरी की बात की जाए तो एक एपिसोड करने का 40,000 रुपए लेती हैं। नंबर थ्री, पुनीत तेजवानी, जो कि इस सीरियल में विशेष का किरदार निभा रहे हैं, और इनके पर डे सैलरी की बात की जाए तो एक एपिसोड करने का 35,000 रुपए लेते हैं। नंबर चार, अनुजा वल्हवे, जो कि इस सीरियल में वाणी का किरदार निभा रही हैं, और इनके पर डे सैलरी की बात की जाए तो एक एपिसोड करने का 30,000 रुपए लेती हैं। नंबर पाँच, राजेंद्र चावला, जो कि इस सीरियल में वरदान का किरदार निभा रहे हैं, और इनके पर डे सैलरी की बात की जाए तो एक एपिसोड करने का 35,000 रुपए लेते हैं। नंबर छः, सगुन पांडे, जो कि इस सीरियल में वीर का किरदार निभा रहे हैं, और इनके पर डे सैलरी की बात की जाए तो एक एपिसोड करने का 60,000 रुपए लेते हैं। नंबर सात, श्रुति चौधरी, जो कि इस सीरियल में बुलबुल का किरदार निभा रही हैं, और इनके पर डे सैलरी की बात की जाए तो एक एपिसोड करने का 50,000 रुपए लेती हैं। नंबर आठ, प्रतीक सिंह, जो कि इस सीरियल में युग का किरदार निभा रहे हैं, और इनके पर डे सैलरी की बात की जाए तो एक एपिसोड करने का 30,000 रुपए लेते हैं। नंबर नौ, हनी सोनी, जो कि इस सीरियल में वर्णिका का किरदार निभा रही हैं, और इनके पर डे सैलरी की बात की जाए तो एक एपिसोड करने का 25,000 रुपए लेती हैं। नंबर दस, सुप्रिया शुक्ला, जो कि इस सीरियल में सुलक्षणा का किरदार निभा रही हैं, और इनके पर डे सैलरी की बात की जाए तो एक एपिसोड करने का 35,000 रुपए लेती हैं। नंबर ग्यारह, निर्भय ठाकुर, जो कि इस सीरियल में व्योम का किरदार निभा रहे हैं, और इनके पर डे सैलरी की बात की जाए तो एक एपिसोड करने का 15,000 रुपए लेते हैं। नंबर बारह, राघव गोसाई, जो कि इस सीरियल में सिद्धार्थ का किरदार निभा रहे हैं, और इनके पर डे सैलरी की बात की जाए तो एक एपिसोड करने का 25,000 रुपए लेते हैं। नंबर तेरह, रजनी गुप्ता, जो कि इस सीरियल में कावेरी का किरदार निभा रही हैं, और इनके पर डे सैलरी की बात की जाए तो एक एपिसोड करने का 25,000 रुपए लेती हैं। नंबर चौदह, ऋषि खुराना, जो कि इस सीरियल में देवेंद्र का किरदार निभा रहे हैं, और इनके पर डे सैलरी की बात की जाए तो एक एपिसोड करने का 30,000 रुपए लेते हैं। तो अब आप सभी का क्या कहना है और आपको इस सीरियल कैसा लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।